आप ये वैलेंटाइन डे बनाते हैं मोहब्बत के दिन मनाते हैं आप या नहीं मनाते? हाँ मनाते हैं साहब। तो क्यों मनाते हैं आपको मालूम है? ये हमें नहीं मालूम मगर पहले से परंपरा चलती चली आ रही, लोग मनाते हैं हम भी मनाते हैं। अच्छा तो आप कब से मना रहे हैं इसको? हम तो जब से समझो सुना है जब से ही मनाते हैं। मोहब्बत जिंदा रहती है, मोहब्बत मर नहीं सकती। किशोर कुमार ने भी कहा यार बांटते चलो तो क्या बांटनी चाहिए। आप बताइए भाई साहब क्या आप इसके बारे में क्या ख्याल रखते हैं? हम मनाते हैं इसको जी, बनाते हैं। किसके साथ मनाते हैं? हम अपनी महुआ के साथ मनाते हैं। अच्छा आप इसको कब से मना रहे हैं? ये जब से हो सिमालाम जब से बनाते चला रहा है, हमें बहुत अच्छा लगता है। आप इसके बारे में कुछ विचार विमर्श करेंगे? आप बनाते हैं इसको अपने लवर के साथ मनाएं? अच्छा तो आपको ये जानकारी है ये चीज़ कहाँ से आई है? ये तो पता नहीं, मतलब बरसों से आ रही है, हम भी ये बात तो कर है और प्यार मनाना चाहिए। पर इसके बारे में हमारे नवाब अंसारी हमारे दोस्त हैं प्यार नवाब अंसारी साहब, इसके बारे में आपको फुल जानकारी देने वाले हैं नवाब अंसारी। तो मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा वो कैमरे के सामने आए और उन्हें पूरी जानकारी दें कि ये चीज़ कब से और क्यों मनाई जाती है। नवाब अंसारी साहब सामने आइए। हमारी तहजीब, हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति, हमारा भारतीय समाज इस बात की इजाज़त नहीं देता कि हम मगरबी देशों की परंपराओं को अपनाएं, कबूल करें, फॉरेन कंट्रीज के रूल्स को एक्सेप्ट करें। ये हमारी संस्कृति के ख़िलाफ़ है। वैलेंटाइन डे के बारे में मैं आपको बता देता चलूँ कि वैलेंटाइन डे कब से मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है। रोम में एक राजा था जिसका नाम क्लोडियस था। क्लोडियस के जहन में ये वाली बात हो गई कि शादी करने के बाद आदमी कम बुद्धिमान और कमज़ोर हो जाता है। बस ये बात उसके जहन में घर करनी थी, उसने पूरे राज्य में ऐलान करा दिया कि कोई भी मेरे राज्य में शादी नहीं करेगा और अगर कोई शादी करेगा तो उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। ये बात वहीं पर रहने वाले एक संत वैलेंटाइन डे के कानों पे पड़ी और उन्होंने इस आंदोलन का, इस आदेश का खिलाफ आंदोलन खड़ा कर दिया। उस आंदोलन का असर ये हुआ कि उन्होंने कई सैनिकों की, राजा कई सैनिकों की शादी करा दी। ये बात जब राजा क्लोडियस के कानों तक पहुँची तो उसने संत वैलेंटाइन को कैद खाने में कैद करा दिया। कैद खाने में का जो जेलर था उसकी एक लड़की थी जो अंधी थी, उसने वैलेंटाइन के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। उनने वैलेंटाइन से रिक्वेस्ट की अपनी लड़की के इलाज के लिए। संत वैलेंटाइन ने उस लड़की का इलाज किया। संत वैलेंटाइन के इलाज से वो लड़की सही हो गई। वैलेंटाइन के इलाज से वो लड़की ठीक हो गई। इलाज से ठीक होने के बाद उस लड़की ने वैलेंटाइन से मिलने की इच्छा जाहिर की। जब वैलेंटाइन से मिलने की इच्छा उस लड़की ने जाहिर की तो जेलर ने कारावास में वैलेंटाइन से उस लड़की को मिलवाया। उस लड़की ने वैलेंटाइन से मिलने के बाद पहली नज़र में ही वैलेंटाइन को लड़की से प्यार हो गया और लड़की को वैलेंटाइन से प्यार हो गया। इसका नतीजा ये हुआ कि वैलेंटाइन ने उस लड़की को एक पत्र लिखा जिसमें लिखा कि मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ। वो लड़की भी शादी के लिए राज़ी हो गई। ये बात जब राजा क्लोटियस को पता चली तो उसने फौरन वैलेंटाइन को उठाकर फांसी पर लटका दिया। वैलेंटाइन जिस दिन फांसी पर लटका उस दिन 14 फरवरी थी। उसी दिन से 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। वैलेंटाइन पे जो लोग भी लेटर लिखते हैं किसी को भी तो उसमें नीचे वैलेंटाइन लिखते हैं। अब तो ये जगह ग्रीटिंग कार्ड्स वगैरह ने ले ली है। बहरहाल ये वैलेंटाइन की अपनी कहानी थी जो एक रोम की कहानी थी, लेकिन इसका हमारी संस्कृति से, हमारे समाज से, हमारे कल्चर से कोई ताल्लुक नहीं है। लिहाजा हमें वही करना चाहिए जो हमारे कल्चर में है, हमारी तहजीब में है, हमारी संस्कृति में है, जो हमारा भारतीय समाज कहता है। इसीलिए हम वैलेंटाइन डे का विरोध करते हैं। अगर कोई बात किसी को बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा और किसी भी तरह की राय के लिए मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, मशवरा भी दे सकते हैं, शिकायत भी लिख सकते हैं। और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपका शुक्रगुजार रहूँगा। आपका दोस्त नवाब अंसारी। इंशाल्लाह फिर हाजिर होगी। खुदा हाफ़िज़।